लाइट काइट। कितने मजे का खाना था ना बाबा। मेरे बेटे को अच्छा लगा? जी बाबा बहुत अच्छा लगा। गुब्बारे खान के लाइटों वाले गुब्बारे, आजो भाई आजो, प्यारे प्यारे गुब्बारे ले जाओ। कितनी प्यारी लाइट्स वाले बालून्स हैं बाबा, मुझे भी एक दिलवा देना। हाँ भाई, कितने में दे रहे हो एक बैलून? लाला ये बैलून सिर्फ 500 का है। 500 वाली शक्ल भी है? किसकी लाला? हमारी है इस बैलून की। और तुम्हारी? लाला हमारी तो नहीं है। और इस बैलून की? ओ मारा, जब हमारी नहीं है तो इस बैलून की कहाँ से होएगी? तो फिर 500 किस चीज के दूँ तुम्हें? लाला गुस्सा छोड़ो, कोई बीच का बात करो। 100 रुपए लेने हैं तो बात करो। ओको अच्छा, बस 100? चलो लाओ, सिर्फ इस गुड़िया की खातिर हम तुमको ये गुब्बारा 100 में देगा। तो इरम और बाबा बैलून लिए घर की तरफ चल पड़े। इरम अपने लाइट्स बैलून के साथ घर में खड़ी खेल रही थी और अक्रम घर में दाखिल हुआ। इतना प्यारा लाइटों वाला बैलून ये कहाँ से लिया? बाबा ने लेके दिया है, अच्छा है ना? अगर ये लाइट्स मैं अपनी काइट में लगा लूँ तो कितना मजा आएगा। बसंत की रात है, पूरे गांव में मेरी काइट की धूम मच जाएगी। हाँ हाँ, बहुत प्यारी है, लाओ तो दिखाओ मुझे। जैसे ही इरम ने अपना बैलून अक्रम को दिया तो अक्रम वो लेकर भागता हुआ सीधा घर की छत पे जा पहुंचा। अम्मी मेरा बैलून, अम्मी मेरा बैलून। अक्रम ने जल्दी जल्दी सारी लाइट्स बैलून से उतारी और छत पे पड़ी अपनी काइट को लगाने लगा। ये देखकर इरम जोर जोर से लोने लगी। जैसे ही अक्रम की लाइट काइट तैयार हुई तो वो उसे उड़ाने लगा। रोती हुई इरम की नजर जब उड़ती लाइट काइट पे पड़ी तो खुशी से उछलने लगी। ये तो बहुत प्यारी लग रही है भाई। देखा चुटकी मेरा कमाल, तुम ऐसे ही रो रही थी। वहीं चाय ढाबे पे मंसूर मुंह आसमान की तरफ उठाए काइट को देखते देखते चाय पी रहा था कि उसकी नजर उड़ती हुई लाइट काइट पे पड़ी। ओए असलम, टांगा उठा, वो देख आसमान में लाइटों वाली काइट उड़ रही है। अरे इतनी प्यारी काइट, मगर ये कटे तो फिर ही पकड़ेंगे ना। ये कहकर दोनों साइकिल पे बैठे और मुंह आसमान की तरफ उठाए उड़ती हुई लाइट काइट की तरफ चल पड़े। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। हट जाओ भाई हट जाओ, मंसूर द काइट कैचर आ गया ते छा गया। दूसरी तरफ अक्रम की लाइट काइट के साथ सरदार की पतंग का पेचा लग गया तो थोड़ी ही देर में अक्रम की लाइट काइट कटकर आसमान में झूलने लगी। चुटकी बाग। उधर पानी के तालाब पे लैला मजनू का जोड़ा एक दूसरे के करीब बैठा बातों में मसरूफ था कि काइट का पीछा करते करते मंसूर द काइट कैचर भी वहाँ आ निकला। अरे मंसूर, वो देख झील किनारे लैला मजनू बैठे हैं। तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। साइकिल तालाब किनारे बुल काट पे चढ़ी और वो दोनों साइकिल समेत चिल्लाते हुए पानी में जा गिरे। लाइट काइट हवा में झूमती हुई गांव के साथ वाले मैदान में जा गिरी तो इरम और अक्रम भी भागते भागते किसी और के पहुंचने से पहले लाइट काइट तक जा पहुंचे और लाइट काइट उठाए खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़े।